नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं ITO पे और हमारे साथ हैं सुरेश बलवीर सिंह। बात बताइए, आज जो ये मीटिंग रखी है आपने वाल्मीकि समाज की, क्या है ये मजदूर संघ की मीटिंग का, उसका वो बताएं। आदरणीय प्रेम कुमार डागर जी और भाई अशोक अज्ञानी जी द्वारा मुझे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है अखिल भारतीय मजदूर सफाई संघ का। और मुझे जैसे कि दिशा निर्देश हुआ है कि जो हमारे लोगों को सैलरी नहीं मिल पाती समय पर, और सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की जा रही है क्योंकि 1 से 10 के बीच में सैलरी आनी चाहिए सफाई मजदूर के अकाउंट के अंदर, लेकिन इन सरकार के मतलब कि गलत रवैये की वजह से हमारे लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, और जो कच्चे लोग हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से इस वाल्मीकि समाज को, इस सफाई कर्मचारियों के वर्क को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। इसी के विषय में हमने दिल्ली का गठन करने के लिए और एक कार्यकारिणी की मीटिंग इसलिए बुलाई है कि हम आगे सड़क पे उतरना पड़े या जेल भरना पड़े, सरकार को जगाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं धूप के अंदर, बारिश के अंदर, ठंड के अंदर सफाई का काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल पाती, उसी लड़ाई के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई। नहीं, आपके संघ से कोई जुड़ता है तो उसको मजदूर यूनियन वाले को क्या फ़ायदा होता है वो बताएं, क्या क्या उनको 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 ये फ़ायदा होगा कि जो भी उनको परेशानियाँ, जो उनका शोषण किया जा रहा है, जैसे कि एक आदमी से 4-4 लोगों का काम करवाया जाता है, और जैसे वर्दी नहीं मिल रही है, सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, और ये कच्चे जो लोग हैं 20-20 साल 25-25 साल से वो लोग कच्चे हैं, जबकि एक भारतीय संविधान के अनुसार एक कानून है कि जो आदमी 240 दिन काम करता है वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन एक सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको पक्का करवाने का काम करेंगे। आप थे सुरेश वाल्मीकि जी जो पूरे वाल्मीकि समाज के साथ लग गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे वाल्मीकि समाज चैन से उनको पक्की नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं ये युद्ध जारी रखूंगा। ऐसे में इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।